बीते 48 घंटे में खरगोन 3 बार सुलगा है। रामनवमी के दिन खरगोन में जुलूस के बाद पत्थरबाजी से माहौल बिगड़ा था। इसके बाद से खरगोन रुक रुक कर हिंसा की आग में जल रहा है। सोमवार की रात 3री बार खरगोन में उपद्रवियों ने तांडव किया था। मंगलवार को शहर में शांति है, लेकिन चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। उपद्रवियों के घर और दुकान तोड़े जा रहे हैं। इसके साथ ही 95 दंगाइयों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। शिवराज सरकार की तरफ से दंगाइयों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि खरगोन में अभी तक क्या क्या हुआ है। दरअसल रामनवमी के दिन खरगोन शहर के तालाब चौक से जुलूस निकला था। जुलूस निकलने के कुछ देर बाद ही कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंची। इसके बाद स्थिति सामान्य हो गई है। तालाब चौक के बाद सर्राफा और शीतला मंदिर इलाके से पत्थरबाजी की खबर आई। इसके बाद प्रशासन के हाथ से स्थिति अनियंत्रित हो गई। यहीं पर खरगोन एसपी सिद्धार्थ चौधरी को गोली लग गई। इसके बाद खरगोन घंटों हिंसा की आग में जलता रहा। कुछ देर तक शांति रहने के बाद रविवार की रात फिर से हिंसा भड़क गई। इसके बाद पड़ोसी जिलों से मदद मांगी गई। पड़ोसी जिले से पुलिस जवान पहुंचे, मगर उपद्रवी पेट्रोल बम से हमला करते दिखे। रविवार को खरगोन शहर में जमकर तांडव हुआ है। पहले दिन एसपी समेत 27 लोग घायल हुए। इसके बाद प्रशासन ने पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया, क्योंकि हिंसा बढ़ती जा रही थी। रविवार को शासन के स्तर पर सिर्फ निर्देश दिए जा रहे थे। घटना ने जब विकराल रूप धारण कर लिया तो शासन की तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। इंदौर संभाग के कमिश्नर और ग्रामीण आईजी को स्थिति संभालने के लिए मौके पर भेजा गया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दंगाइयों को छोड़ेंगे नहीं, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि जिन घरों से पत्थर फेंके गए हैं उन घरों को हम पत्थर बना देंगे। सरकार से आदेश मिलते ही आरोपियों की पहचान वीडियो के आधार पर की जाने लगी। इसके बाद उनके मकान और दुकान तोड़े जाने लगे। सोमवार को 50 से अधिक घर और मकान तोड़े गए। शहर में सारी गतिविधियां स्थगित कर दी गईं। बच्चों की परीक्षा रद्द हो गई। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई। वरीय अधिकारी मौके पर कैंप किए रहे। वहीं सोमवार की रात खरगोन में फिर से हिंसा भड़क गई थी। रात 12 बजे के करीब दंगाइयों ने कुछ गाड़ियों में आग लगा दी। बड़ी मुश्किल से प्रशासन ने स्थिति पर काबू पाया। उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। खरगोन की स्थिति को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग की है। इसमें गृह मंत्री के साथ पुलिस और गृह विभाग के वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम ने जानकारी दी कि वहां 4 IPS, 15 DSP और 1 RFF की कंपनी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। 95 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एमपी में पहली बार दंगाइयों से नुकसान की भरपाई होगी। इसके लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। मंगलवार की दोपहर में ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है। रिटायर्ड जज डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा इसके अध्यक्ष होंगे। प्रभात पाराशर इसके सदस्य होंगे। इस ट्रिब्यूनल में दंगा से पीड़ित लोग नुकसान का दावा कर रहे हैं। 3 माह के अंदर इसमें सुनवाई पूरी होगी। इसके साथ ही खरगोन में आरोपियों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। कुछ लोगों ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। इसमें कहा गया है कि ये एक पक्षीय कार्रवाई है। AIMIM के नेता ओवैसी ने कहा कि खास वर्ग के लोगों को परेशान किया जा रहा है, गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हिंसा के बाद कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यों की कमेटी गठित की है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में कमेटी के सदस्य मामले की जांच के लिए खरगोन पहुंचे हैं। वहां हिंसा पीड़ित लोगों से बात भी की है। इसके बाद पार्टी को वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। खरगोन में जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई है उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि पहले से इसकी प्लानिंग हुई थी। अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि घरों की छत पर पत्थर जमा किए गए थे, साथ ही आरोपियों ने पेट्रोल बम इकट्ठा किया था। इससे ये संकेत मिलते हैं कि हिंसा की प्लानिंग पहले से थी। सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। साथ ही इस दंगे में आतंकी संगठन JMB की भी भूमिका की जांच हो रही है। इसके सदस्यों की गिरफ्तारी मार्च महीने में भोपाल से हुई थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।